अध्याय चार। जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनीय और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे यरूशलेम में इकट्ठे हुए और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। तब पत्रस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वो क्यों कर अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इसराइली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। और उस मनुष्य को जो अच्छा था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि ये इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखलाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना वो न कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे, क्योंकि वो मनुष्य जिस पर ये चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और महायाजकों और पुरनियों ने उनसे जो कुछ कहा था उनको सुना दिया। ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इसराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं।
जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था और उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे और जैसी जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। और यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए।